8 मैथ टॉपिक लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल्स या सिंगल वेरिएबल्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन क्या होती हैं ये समझ लेते हैं। इक्वेशन जैसे सपोज दैट एक्स प्लस 1 इक्वल टू 7 है, तो ये जो है इसको बोलते हैं वेरिएबल और ये 1 है, ये कांस्टेंट है। इट मींस 1 वेरिएबल्स का मतलब होता है एक ही वेरिएबल्स होगा, चाहे वो x है, चाहे y है, चाहे z है, सिंगल वेरिएबल्स। तो इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, सपोज दैट इसके टाइप्स भी बता देता हूँ और फिर वन बाय वन आपको सॉल्व करके भी बताता हूँ। जैसे सपोज करो x प्लस 3 इक्वल टू 9 है, तो इसमें x की वैल्यू यानी दोनों ये जो साइड होती है ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये वाली जो होती है वो राइट हैंड साइड होती है, दोनों साइड हमेशा इक्वल होती है, ठीक है। तो ये x प्लस 3 इक्वल टू 9 है, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ ये प्लस है तो अपोजिट साइड राइट साइड में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यानी 3 हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 6, x की वैल्यू आपकी 6 हो जाएगी। उसी तरह इसी की तरह दूसरा है, अगर x माइनस 5 इक्वल टू आपका 20 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये यहाँ नेगेटिव में वहां जाके पॉजिटिव में हो जाएगा 1 प्लस 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 25। एक और ले लेते हैं, अगर जैसे सपोज दैट 5x है इक्वल टू आपका है 30, ठीक है, ये वन टाइप का है, ये सेकंड टाइप का है, ये थर्ड टाइप का है, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ ये मल्टीप्लाई है ना, तो राइट साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा 30 ऑब्लिक 5 5 6 30, तो 6 इसकी वैल्यू आ गई, तो x इक्वल टू 6। अब नेक्स्ट वन लेते हैं फोर्थ टाइप का, वो लेता है डिवाइड में, सपोज एक वाई में ले लेता है, वाई अपॉन 6 इक्वल टू 100 है सपोज दैट, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ ये डिवाइड में है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 इंटू 6, ये हो जाएगा आपका 600, यानी वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 600। ओके दोस्तों, आई होप कि ये इतनी चीजें आपकी समझ में आई होंगी। ये तो 6-7 के लेवल का, अब आपके स्टैंडर्ड का थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। कभी कभी आपकी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन होती है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, सपोज यहाँ है 3x प्लस 9 इक्वल टू है 4x प्लस 2 है, सपोज दैट। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो हम जो सिमिलर टर्म है इनको वन साइड कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि 9 यहां पे है, ये 2 को यहां भेज देंगे,
और ये 4x है, ये अपनी जगह है, ये उसमें से 3x को माइनस कर लेंगे। तो 4x में से 3x माइनस करेंगे तो x इक्वल टू सेम है, तो यानी आपकी x की वैल्यू कितनी आई, सेम है। ठीक है, एक और ले लेते हैं नेगेटिव में, 10x, ये क्वेश्चन है आपका, 10x माइनस 15, 17 कर लेते हैं, इक्वल टू 7x प्लस यहाँ पे कर लेते हैं आपका 13। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब 7 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस 7x 17, ये नेगेटिव है वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा 13 प्लस 17, तो ये हो जाएगा आपका 3x इक्वल टू 30। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30/3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 10 30, तो x की वैल्यू आपके आगे 10। आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वाला करवाने जा रहा हूं, नेक्स्ट टाइप का, कभी कभी आपके पास फ्रैक्शनल नंबर टाइप की इक्वेशन होती है तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज दैट दिया हुआ है आपका 5x प्लस 9/7x माइनस 3 इक्वल टू 10/21, सपोज दैट ये आपकी इक्वेशन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो यानी ये इससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 5x प्लस 9 इक्वल टू 10, 7x माइनस 3, इसको सिंपलीफाई करना है। 21 को 5 से करेंगे तो 105 आ जाएगा x, 21 को 9 से करेंगे, 9 1 9, 9 2 18, 10 को 7 से करेंगे तो 70x, 10 को 3 से करेंगे तो 30। अब इसको सिंपल इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 105x माइनस 70x इक्वल टू, ये यहाँ चला जाएगा तो ये भी नेगेटिव में, माइनस 30 माइनस 189, ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 10 में से 3 हो जाएगा आपका, 7 माइनस हो जाएगा तो इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे दोनों नेगेटिव है, 9 11 और 2 219 आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू आपकी आ गई माइनस 219/35, ये आपकी x की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अब एक दो वर्ड प्रॉब्लम करवाता हूं मैं, ठीक है। सपोज दैट इस टाइप के प्रॉब्लम्स आती हैं, टू नंबर्स आर इन रेशियो ऑफ
2:3, ठीक है। इफ दियर सम इज फाइंड द नंबर, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट वन नंबर इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं 2 है तो 2x, अदर नंबर को मान लेते हैं 3x, इनका सम कितना है 25 है, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3x इक्वल टू 25, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5x हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 25, और x इक्वल टू ये हो जाएगा 25/5, 5 5 जा 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, फर्स्ट नंबर हो जाएगा आपका कितना है 2 है ना, तो 2 × 5 ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू आ गई। सेकंड वाला क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 × 5, कितना हो जाएगा 15। अब इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है चेक कैसे करेंगे, इन दोनों का टोटल कितना है आपका 25 है ना, आप ऐड करके देख लो 10 + 15 इक्वल टू कितना हो रहा है 25, ठीक है। तो ये भी आपकी सिंगल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल्स, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।